नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मुश्किल से 2 हफ्ते का समय बचा है और आज बीजेपी के चुनाव प्रचार की क्या रणनीति है? सरकार इस समय अपने कौन-कौन सी नीतियों को, विकास को, अपने काम को शोकेस करने वाली है, ये सब जानने के लिए भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं और उनसे हम बीजेपी की रणनीति के बारे में पूछेंगे, उनसे सरकार की तमाम सूचनाओं के बारे में पूछेंगे और फिर आपके सामने उनका हम प्रसारण करेंगे। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। सबसे पहले आज का सबसे हॉट टॉपिक जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है, और वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इसे लेकर एक बहुत सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश कर रही है, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो गिरफ्तारी जारी है, अगली किसकी बारी है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। आप कल्पना कीजिए, क्या सोच के दिल्ली की जनता ने वोट इनको किया था, जब इनका भोला सा चेहरा बनाकर आते थे, ये कहते थे मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं तो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। वो राजनीति में आए और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। वो कहते थे इस कुर्सी पे कोई भी बैठ जाता तो शायद कुर्सी में ही कुछ खोट है, वो भ्रष्ट हो जाता है, और अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी सिद्ध करके दिखा दिया। आज दिल्ली की जनता देखिए कितनी पीड़ा में होगी, जिस व्यक्ति ने पानी तो पहुंचाया नहीं शराब मुफ्त में देने का, या शराब का एक बड़ा घोटाला करके दिखाया, जो कल तक कहते थे ये कांग्रेस भ्रष्ट है, हाथ नहीं मिलाऊंगा, बस कुछ नहीं किया, खुद भी मिलाया, पत्नी को भी हाथ मिलाने के लिए भेज दिया है। पर अनुराग जी, अगर आप देखें, देखिए, अमेरिका ने इस पर चिंता जताई है, जर्मनी ने चिंता जताई है, यूएन भी ये कह रहा है, और एक माहौल इस समय आपकी सरकार के खिलाफ ये बन रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अलग अलग केसेस में फंसाकर जेल में डाल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ है। मेरा केवल एक सवाल इन सब देशों से है कि उनके देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आज भारत को किसी और देश से नसीहत लेनी पड़ेगी क्या करना है? हमारे देश के कानून हैं, नियम हैं, और उनके अंतर्गत कार्रवाई होती है। आपके पास उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं गिनाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप आज की स्थिति देखें, आपके पास इतना सब कुछ था शोकेस करने के लिए, लेकिन उस लिस्ट में अब सबसे ऊपर ईडी का नाम आता है, सीबीआई का आता है और इनकम टैक्स का आता है। सबसे ऊपर जिस बारे में चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार चुनाव में नहीं है, और ये सरकार अपने विरोधियों को चोक कर रही है, या तो उनके बैंक अकाउंट सीज कर रही है, पैसे ले लिए, इनकम टैक्स के जरिए फ्रीज कर दिया, या फिर उन्हें जेल में डाल रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये आपकी भी रणनीति में कोई कोई कमी रही कि उपलब्धियों की बजाय अब सिर्फ ईडी की बात हो रही है? निश्चित तौर पर नहीं, ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आप उन 25 करोड़ गरीबों की ओर देखिए जिन्होंने अपना कल्याण होते देखा है, अपने जीवन में बदलाव देखा है। जिस महिला को खुले में शौच करने जाना पड़ता था और उसके खिलाफ अपराध भी होता था, संदेश खाली की घटना पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं, मैं गरीब आम शौचालय जाओ, पानी लेने के लिए कुएं या नदी तक जाओ, फिर लकड़ी लेने जंगल तक जाओ, जिसके दिन के 6 घंटे केवल इसी काम के लिए चले जाते थे और दर्द होता था, धुआं जब लगता था, आज उसके जीवन में कितनी बड़ी राहत आई है। ये गरीब माँ के बेटे ने गरीब का कल्याण किया है सुधीर जी, वो नहीं भूला है, लेकिन उसको इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस के समय जो लाखों करोड़ सिस्टमेटिकली सिस्टम से खाए जाते थे, आज वो डीबीटी करके सीधा खाते में जब पैसा आता है, और आधार कार्ड बनने के बाद 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड खत्म हो जाते हैं, 4 करोड़ 10 लाख रसोई गैस के सिलेंडर के फर्जी खाते बंद हो जाते हैं, तो 2,75,000 करोड़ रुपये हमने बचाया है जो फिर गरीब कल्याण में लगाया। यही नहीं, देश के 12 में से 11 बैंक घाटे में थे कांग्रेस के समय, आज 1,00,000 करोड़ रुपया मुनाफा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 96 करोड़ वोटर्स हैं उनका ये ईडी, सीबीआई, आईटी, उनके दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं यही कहूंगा, उनको इस बात की खुशी होती होगी कि मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये जांच एजेंसियां स्वतंत्र है सुधीर जी, इनमें से मुझे बताइए 2G का केस कब था, कॉमनवेल्थ का केस कब था, ये कोयला घोटाले से लेके बाकी केस कब के थे, ये यूपीए के समय केस दर्ज हुए साहब,
आप हमारे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ते हो? जांच एजेंसियां तो कॉन्टिन्यूटी में काम करती हैं, कईयों को 5 साल लग रहे हैं, कईयों को 3 साल, कईयों को 10 साल लगते हैं। आखिरकार जांच एजेंसी अपना काम करे, जिसको लगता है नहीं ठीक है वो कोर्ट जा सकता है। मैं आपके सामने आज अखबार में एक खबर छपी है, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये खबर ये कहती है कि पिछले 10 साल में 95% ऑफ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस दैट ईडी एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टुक एक्शन अगेंस्ट वर फ्रॉम दी ऑपोजिशन। मतलब 95% जो नेता थे वो ऑपोजिशन के थे। फिर ये आगे इन्वेस्टिगेशन ये भी कहती है कि ज्यादातर नेता जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके केस बंद हो जाते हैं, नहीं तो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जो बीजेपी में नहीं आते उनके फटाफट T20 स्टाइल में उनका फटाफट से प्रोसिक्यूशन होता है। ये पूरा डिटेल उन्होंने दिया है। किसी को किस तरह से रिपोर्ट करने में उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे उनकी जांच हुई, जहां सबूत मिले होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई होगी, जहां इस पे ईडी ज्यादा जवाब दे सकती, मैं और आप तो यहां बैठ के नहीं दे सकते। आपकी बात सही है। तो अगर ऐसा है तो आप जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं आप उन्हें अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल हैं, हिमंत बिस्व शर्मा हैं, अजीत पवार हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, छगन भुजबल हैं, नवीन जिंदल हैं। ये कहा जा रहा है कि आपकी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें अगर आपके पार्टी का आदमी है तो साफ धुल जाता है, दूसरी पार्टी का आदमी है उसको वो पकड़ लेती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आरोप तो कई लगते हैं। ये तो कहते हैं ईवीएम भी खराब है, ये तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ये तो कहते हैं न्यायालय भी बिके हुए हैं, क्या क्या नहीं कहते। क्या ये सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड मामले में? क्या ये सच्चाई नहीं कि अगस्ता वेस्टलैंड की दलाली किसने खाई है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं। क्या ये सच्चाई नहीं कि जॉब के बदले जमीन लालू जी और उनके परिवार ने लिए पैसे? क्या ये सच्चाई नहीं कि चारा घोटाले में लालू जी को जेल हुई और फिर वापस बेल पे है? क्या ये सच्चाई नहीं कि दिल्ली के शराब मंत्री जेल में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में, दिल्ली के मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है? अब 1.5 साल से जेल में है भाई। नहीं, पर जब आप अपनी पार्टी में लोगों को ले रहे हैं तो क्या आप उनका प्रोफाइल चेक नहीं करते कि क्या इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, तो इन्हें आप ना लें? पार्टी विद डिफरेंस तो तभी बनेगी। आरोप आप मेरे ऊपर लगा दीजिए, किसी के ऊपर लगा दीजिए, जब तक जांच होकर उसके सबूत नहीं मिल जाते, कोर्ट उनको सजा नहीं दे देता, तब तक तो उनको अधिकार है कहीं पे भी जाएं। प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दायर कर देती है, हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में जैसे ही वो आते हैं उनके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं होता, अजीत पवार का मामला भी ऐसा ही है, शुभेंदु अधिकारी का मामला भी यही है, छगन भुजबल का भी यही है। मैं तो देखिए सवाल जो उठ रहे हैं लोग निकाल निकाल के ला रहे हैं इसको, और फिर मतलब आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी डिबेट आपने ले लिया एक कि इनको तो आपने लेकर अपनी पार्टी में? नहीं नहीं, एक बात तो बड़ी मजेदार है वैसे, अगर ईडी कार्रवाई करे तो ईडी खराब है, ईडी छोड़ दे तो ईडी नहीं, पर तो इन पर ईडी नहीं, ईडी करे क्या, ईडी सीबीआई करे क्या? यानी कि ईडी संजय सिंह की बेल पे अगर विरोध नहीं करती है तो आप कहते नहीं कि ईडी निष्पक्ष है। अगर ईडी जेल भेज देती है, किसी को गिरफ्तारी करती है, तो कहते हैं ईडी खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर कहेंगे राहुल गांधी ने जिता दिया। अगर हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अभी जीत भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चल सकता है सुधीर जी? आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, जब ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं, आप अपने आप को कितनी मुश्किल में पाते हैं जब इस तरह की चीजें दोनों तरफ ब्लैक और व्हाइट में आ रही हैं और उसमें ग्रे मैटर बहुत सारा निकल आता है? मतलब ब्लैक और व्हाइट तो है लेकिन ग्रे भी बहुत सारा, बहुत जो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट चैनल चलाता है उसको पता है कितना रिसर्च करके कितना अच्छा प्रोग्राम देना होता है, वो आपसे अच्छा कौन जानता है। इसी तरह से ही जब हम कहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं मोदी बनो मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो आप सारी जानकारियां प्राप्त करके जनता तक पहुंचाएं। आज केवल समाचार पत्र टीवी चैनल नहीं, आज न्यू मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो लोगों को जानकारी मिलती है कितने लोगों को लाभ मिला, कितना विकास हुआ। लास्ट चुनाव जो विकास पर लड़ा गया था और जो शाइनिंग इंडिया पर लड़ा गया था वो था 2004 में वाजपेयी जी का। आपको ऐसा लगता है कि जो स्थिति 2004 में इंडिया शाइनिंग के समय हुई थी, भारत में विकास के नाम पर अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता, कभी आपको उसका भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए? देखिए, हमने 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा,
और हमने वायदा किया था ईमानदार सरकार देंगे, दमदार सरकार देंगे, सोच ईमानदार काम दमदार हमने किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। 2019 में हम गए तो सबने कहा कहां बीजेपी जीतेगी, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत 30 सालों के बाद किसी को मिला था तो मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को मिला। 2019 में हम अपने काम को लेकर गए, काम के नाम पे सुधीर जी वोट मिला, एक दमदार सरकार दिखती थी, भारत के पीछे खड़ी थी, अगर आतंकवादी हमला होता तो घर में घुसकर मारते थे। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अब मैं आना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर। इसको लेकर सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और तमाम तरह की बातें इसमें हो रही हैं। अब लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक कनेक्शन ये सामने आता है कि जो लोग भ्रष्टाचार में फंसते हैं वो अचानक से बीजेपी को चंदा देना शुरू कर देते हैं, ये जो कनेक्शन है ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन कहता है? विपक्ष के ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा कहता है, ये डेटा कहता है। नहीं नहीं, ऐसा है सुधीर जी, 2014 से पहले या 2019 से पहले कहिए, जितने चुनाव हुए, मैं खुली चुनौती देता हूं, आज तक आप 1947 के बाद आज तक जितने चुनाव हुए, किस राजनीतिक दल को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, किस व्यापारी ने कितना चंदा दिया, ये आप कृपया करके देश के सामने जरूर रखिए। बिल्कुल ठीक है, डेटा कहते हैं, बताइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए शराब घोटाले में ईडी ने शरत रेड्डी, नहीं नहीं ऐसा है, वो 2022 को गिरफ्तार करते हैं। नहीं, मैं इस पे भी आऊंगा, मैंने एक सवाल पर ऐसा कैसे हुआ कि कोई आदमी गिरफ्तार होता है किसी स्कैम में और फिर वो गिरफ्तार होने के बाद उसके बाद भी बीजेपी को वो चंदा देना शुरू कर देता है? जो पार्टी उसे गिरफ्तार करवा रही है उसी को चंदा दे रहा है और पहले के मुकाबले और ज्यादा चंदा दे रहा है। मैं आपको फिर कहता हूं, ये आंकड़े आपके सामने आज इसलिए आते हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लाए? भारतीय जनता पार्टी लाई। हम पारदर्शिता लाए चुनाव फंडिंग को लेकर, कि कम से कम ऐसा ना हो कि किसी ने सुधीर जी की पार्टी को पैसा दिया, आपकी तो पार्टी ने मान लो किसी एक की पार्टी को पैसा दिया और वो 100 रुपया देता है तो 15 रुपये तो पार्टी में जमा कराता है, 85 रुपये घर लेकर। तब आपको ये नहीं पता होगा कि ये सार्वजनिक हो जाएगा? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका सार्वजनिक होने पे, क्या फर्क है सुधीर जी इसमें? हमारी पार्टी की 303 सीटें लोकसभा में है, 100 राज्यसभा में है, 400 सांसद वाली पार्टी और 18 राज्यों में सरकार के बाद मात्र 6000 करोड़ का चंदा है, जबकि एक राज्य में तृणमूल पार्टी की सरकार है और कितना चंदा? 1600 करोड़ रुपया। ऐसे में आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, तो क्या तुलना है इसमें? ये आरोप के बारे में स्पष्ट आपसे पूछता हूं, जो आरोप लग रहा है वो ये है कि ये एक तरीके से वसूली का रैकेट था, पहले आदमी फंसता है उद्योगपति, फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के पार्टी को चंदा देता है तो वो छूट जाता है, फिर उसके प्रति नर्म रवैया हो जाता है नेता के तौर पर। अगर आप देखो पहले वो फंसता है फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है फिर उसके केस बंद हो जाते हैं, ये दो सबसे बड़े आरोप आपकी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं। इस पर आपका आप क्या बताएंगे देश को? मैं ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए लॉटरी किंग ने दो जगह चंदा दिया, डीएमके को दिया, तृणमूल पार्टी को दिया, तो आप ये कहना चाहते हो कि उनके राज्य में दोनों की काम धंधा चलता तो इसलिए उसने पैसा दिया होगा, फंडिंग की होगी, शायद हो सकता है। तो तृणमूल और डीएमके उसका जवाब दे। बिल्कुल, ये सवाल हम उनसे भी पूछ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल का कोई अपना काम धंधा नहीं, चुनावी जब चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए आपको चंदा चाहिए, चंदा कौन देगा? देश का उद्योगपति देगा, व्यापारी देगा, जो कमाता होगा वही देगा ना, मैं और आप तो पर दे। क्या वो बदले में आपसे कुछ चाहेगा भी कि मेरे काम होते रहें? हमारा बहुत पारदर्शिता के साथ काम करना है। क्या उसके बाद उसको जांच के लिए नहीं बुलाया? क्या उसको क्या साफ दे क्लीन चिट दे दी? जांच तो अभी भी चल रही है, क्या जांच नहीं चल रही? जांच चल रही है शराब घोटाले की, किसको क्लीन चिट मिली है? अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं मिली। आपको लगता है क्लीन चिट एक बार्गेनिंग चिप की तरह है जिसके आधार पर आप बार्गेन करेंगे इन सब लोगों से आगे? तो अभी अगर आपने वो चिप दे दी तो फिर तो खेल खत्म ही हो जाएगा। निश्चित तौर पर मोदी सरकार के समय आप मुझसे लिख के लीजिए 100% गारंटी है कि ईमानदारी से सरकार चलाई है, आगे भी ईमानदारी से चलाएंगे। हमारे लिए केवल एक लक्ष्य है, अपने देश को विकसित भारत बनाना। मैं अभी प्रशांत किशोर का एक बयान देख रहा था, तो प्रशांत किशोर का अपना जो एनालिसिस है इस सरकार और पार्टी के बारे में, वो कहते हैं कि उन्हें वोट तो आपका चाहिए लेकिन वो वोट से कहीं ज्यादा चाहते हैं। अब लोगों से वो चाहते हैं कि मुझे वोट तो चाहिए ही लेकिन एक आइडियोलॉजिकल जो इम्प्रिंट है हम वो भी छोड़ना चाहते हैं।
अब आप क्या खाएंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, क्या काम करेंगे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये भी पार्टी चाहती है कि आप ये भी करें किसको चाहती है? लोगों से। बिल्कुल भी नहीं, आप स्वतंत्र हैं। 2014 से पहले लोग कहते थे, ये जो विपक्ष वाले प्रोपेगेंडा वाले जो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं कि मोदी आएंगे मुसलमान खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं सुधीर जी, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में हिंदुओं की तादाद जैसे पाकिस्तान में 23% से कम होकर 2% रह गई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल भी हुआ है, आबाद भी हुआ है और बेहतर सुरक्षित भी हुआ है। जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस के कपड़े फाड़ देता है कि इनसे भ्रष्ट कोई नहीं, इन तो भ्रष्ट है, हम इनके साथ कैसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन दिल्ली में हाथ मिला लिए। ममता बनर्जी जी कोई सीट दे के राजी नहीं, वहां एसडीपी आई जो देश के खिलाफ चलती है जी, देश विरोधी ताकतें राहुल गांधी का समर्थन उनके चुनाव में करती, क्या चेहरा लेके देश में कांग्रेस आएगी? क्या एसडीपीआई बची थी? ये दिखाता है कांग्रेस अपना दम तो रखती नहीं अमरेली अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अगर इसको वायनाड में भी लड़ना पड़ता राहुल जी को तो वहां पे भी एसडीपीआई जैसे लोगों की सहयोग चाहिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पर आप भी तो देखिए अजीत पवार से हाथ मिला लेते हैं, आप भी चंद्रबाबू नायडू से दोबारा हाथ मिला लेते हैं, आप ये भी राजनीतिक पंजाब दल में है भाई। नहीं आप भी पंजाब में अकाली दल से दोबारा बातचीत शुरू करते हैं, बात नहीं बन पाती, नहीं मैं ये अलग सुधीर बात जी, है। बहुत अंतर है, इनमें से कौन देश के खिलाफ काम करता है मुझे बताइए। आप एसडीपीआई को आप टीडीपी के साथ नहीं जोड़ सकते, आप एसडीपीआई को एनसीपी के साथ तुलना नहीं कर सकते, आप एसडीपीआई की अकाली दल के साथ तुलना नहीं कर सकते, मैं क्षमा चाहता हूं। एक और मुद्दा है परिवारवाद का, परिवारवाद आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, पर उन्हीं परिवारों के बच्चे या सदस्य जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उस परिवारवाद को भूल जाते हैं। आप जब चिराग पासवान आपके पास आते हैं तो आपको परिवारवाद उसमें दिखाई नहीं देता, अजीत पवार आते हैं उसमें परिवारवाद, अकाली दल में परिवारवाद नहीं आपको दिखाई दे रहा, बाकी सारे लोगों में भी परिवारवाद, मतलब जो आपके साथ आ गया वो परिवारवाद नहीं है, जो दूसरी तरफ रह गया वो परिवारवाद है। दो बातें, परिवारवाद के खिलाफ मोदी ने बहुत खुल के कहा कि वो दल जो एक ही परिवार के कंट्रोल में आगे चलते हैं, और उसमें से कुछ उदाहरण आपने अभी भी दिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे कार्यकर्ताओं का दल है, जहां पे प्रधानमंत्री के पिता किसी भूमिका में नहीं थे, अमित शाह जी के पिता किसी भूमिका में नहीं थे, उस तरह से हमारे कितने भी राजनाथ सिंह जी से लेकर बाकी सब तक देखोगे तो कोई उस भूमिका कि परिवार से नहीं आया, ना उनका कोई कंट्रोल एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके बाद उनके बेटे को मिला, वो भी नहीं हुआ। लेकिन जब राजनीतिक गठबंधन की बात आती है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आखिरकार उस क्षेत्र में, मान लीजिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ टाई अप किया, चिराग पासवान जी के साथ किया, या वहां पर टीडीपी के साथ भी किया, हम तो ये बड़ा क्लियर कर रहे हैं, या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से किया हो अपना दल से, हमने बहुत क्लियर किया कि हम उस दल के और हम इस पक्ष के हैं कि देश में चुना हुआ व्यक्ति तो एक परिवार से आ सकता है क्योंकि वोट करके देते हैं, लेकिन दल पे कब्जा एक ही परिवार का हो ये भारतीय जनता पार्टी मानती कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं, हम आज भी कहते हैं आगे भी कहेंगे। आपने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है अपने एनडीए के लिए, तो 400 सीटों का आप करेंगे क्या? देखिए, क्या चार लोग कहते राजीव हैं कि गांधी आपको जी, इसलिए चाहिए क्योंकि आपको संविधान में कुछ बड़े चेंजेस करने हैं, व्यवस्था में आप कोई आगे चलकर कोई बड़ा चेंज करेंगे, इसलिए आपको इतनी ये लोकसभा में इतनी मेजोरिटी आपको चाहिए। ये प्रोपेगेंडा वाला दल जो है ना, उनकी नफरत की दुकान में एक ये भी है, उन्होंने नफरत की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, और उनको कांग्रेस पार्टी से जलील किया गया, उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना योगदान था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया, ये गैर कांग्रेसी दल ने भारत रत्न दिया। और जब मोदी सरकार आई तब जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, पांचों के पांचों स्थानों पर पंचतीर्थ,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना के दिया मोदी सरकार ने। लंदन में भी जमीन ली, इंदू मिल में भी जमीन लेके कराया, ये इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कराया। लेकिन भविष्य में मैं एक और बताता हूं आपको, मोदी जी पार्लियामेंट आए तो संविधान पे माथा टेक के कहा कि संविधान के अनुसार देश चलाऊंगा। संविधान दिवस देश में मनाया तो 29 तारीख को मोदी सरकार ने 29 नवंबर को मनाया, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर छुट्टी अवकाश मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? आपको लगता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई बदलेगा? उनको वो भी पीड़ा होती है। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जो डर है खास तौर पर विपक्षी दलों में, वो ये है कि इस बार अगर आप पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भी आ गए सरकार में तो आप विपक्ष को समाप्त कर देंगे। देखिए लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है साहब, सूचना प्रसारण मंत्री के सामने देश के वरिष्ठ पत्रकार कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़े। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, हम लोग लड़े थे साहब, हमारे पार्टी के नेता ने जेल भुगती थी। पर आपने और देखा? ये जो टापू काचा थी वो करके दे दिया कांग्रेस ने इमरजेंसी से कुछ महीने पहले, वो भी छिपा के रखा साहब। हाल फिलहाल पिछले कई दशकों में हमने किसी प्रधानमंत्री को और किसी पार्टी को अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हो कि जीतने के बाद अगले दिन ये काम शुरू करेंगे, पूरा रोड मैप तैयार है और वो सुपर कॉन्फिडेंट है कि हम ही लोग आ रहे हैं। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? एक, जब आप काम करते हो तो आप परिणाम भी जानते हो। मोदी जी ने कहा था रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, नाउ आई एम इनफॉर्मिंग इनफॉर्म, तो रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म एंड इनफॉर्म। तो हम जो रिफॉर्म्स लाए, जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भारत की। लेकिन अभी जो आपने पहले सवाल पूछा था इंडिया शाइनिंग वाला, मैंने फिर अपने सवाल में उस समय कहा था अभी हमने नए भारत की जो बुलंद तस्वीर नजर आती है उसकी नींव रखी है, अभी तो भव्य इमारत बनानी है साहब। मोदी जी मात के देहांत के 2 घंटे के अंदर देश के लिए काम शुरू कर दे, 23 साल में एक दिन भी छुट्टी ना लें, क्या कमिटमेंट नहीं है? पहले से ही पता है कि आप आ रहे हैं वापस, इतना विश्वास है आपको जनता पर? देखिए जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा ही, हमने काम किया है, लोगों का जो अटूट विश्वास मोदी में स्नेह है, देखिए लोग भावुक होते हैं उनके लिए। केजरीवाल जी का 4.5 किलो वजन कम हो गया जेल में जाने के बाद, क्या इससे लोग भावुक नहीं होंगे? देखिए मैं इतना ही कहूंगा, वजन उनका एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने समय भी वजन कम हुआ था, अन्ना जी को भी साथ में बिठाया था, आज अन्ना जी को कितना दर्द होता होगा सुधीर जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी बार भी आते हैं सरकार में तो गांधी परिवार, कांग्रेस और बाकी इन लोगों का क्या भविष्य आप देखते हैं आपके तीसरे टर्म में अगर आप लौटते हैं तो? देखिए मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर एक परिवार से बाहर नहीं निकल सकते, वो इनकी अपनी मजबूरी है। अब इनकी क्या रणनीति है कि राहुल गांधी जी के साथ ही जीना है, उनके नेतृत्व में ही चलना है, गांधी परिवार के साथ चलना है, कि कांग्रेस किसी अच्छे उभरते हुए नेता को भी कभी आगे बढ़ने का अवसर देंगे? क्या कमी थी साहब इनके पास, उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए सबके लिए कि केवल एक व्यक्ति को, एक युवराज को बार बार लॉन्च करना है, उसके लिए सारे युवाओं के जो कॉम्पिटेंस थी, जो क्षमता थी, उसको भी। पर आपने नेशनल हेराल्ड मामले में जांच शुरू की थी और वो जांच बड़ी तेजी से चली भी, फिर वो जांच अचानक से रुक गई, अब उसमें भी आप देखिए कितने वर्ष हो चुके हैं, तो वो जांच दोबारा शुरू होगी या अभी आप उसको ऐसे ही अधर में रखेंगे? कभी जांच तेज हो तब आप कहते हो कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों चले गए, जांच तेज हो आप कहते हैं मनीष सिसोदिया जेल क्यों चले गए, अब कहीं कोई जेल में वापस नहीं गया बेल पे, तो आप कहते हैं जांच क्यों? इसलिए मुझे आप मन बना लो भाई, मैं इसलिए पूछता हूं कि उस जांच का रिमोट कंट्रोल तो कहीं ऐसा नहीं किसी के पास है, फिर वो रिमोट कंट्रोल से जांच चलती है? ऐसा नहीं है, रॉबर्ट वड्रा जी के खिलाफ हो बाकी के खिलाफ बहुत गंभीर मामले हैं साहब। तो चुनाव का एक छोटा सा ये ब्रेक आया है, लगभग 7 फेज जून तक चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारियों का ये शेष भाग अब चुनाव के ब्रेक के बाद देखने को मिलेगा? मैं यही कहूंगा तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी।
नहीं देखिए, गिरफ्तारी ईडी को करनी है, कोर्ट को उस पर निर्णय लेना, उस पर मैं और आप किसी चैनल पे नहीं कह सकते। लेकिन एक विश्वास मुझे देश की जनता को कराना है, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम किया, आगे भी करेंगे। मोदी सरकार ने भारत को आगे बढ़ाया, अब विकसित भारत भी बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आगे भी करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने की बात कही थी, आगे भी करेंगे। हम वो राजनीतिक दल हैं जिसने 1950 में भी कहा था कि एक राज्य में दो प्रधान, दो विधान, दो संविधान नहीं हो सकते, हमने वो भी खत्म कराया। आखिरी सवाल आपके बारे में, अभी तक आपसे आपके बारे में कोई हमने बात नहीं की। आपका ये पांचवां टर्म होगा अगर आप जीत जाते हैं एक सांसद के तौर पर, तो वैसे तो आप देखिए इतने युवा लगते हैं आप देखने में, लेकिन उस हिसाब से देखें तो राजनीति में आप भी एक बुजुर्ग जैसे हो चुके हैं, एक वेटरन हो चुके हैं। अगली सरकार में आप अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ने का अवसर दिया और वहां की जनता का मैं बहुत आभारी हूं जो मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में लेते हैं। आप कभी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए, कोई बच्चे आएंगे मेरी गोद में बैठ जाएंगे, नौजवान आएंगे मेरे कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे। परिवारवाद है बिल्कुल, वहां तो ऐसी हालत है कि बहनें भी आएंगी तो बिल्कुल अपने हक से बात करती, बुजुर्गों को लगता है अच्छा इसको कुछ सुनाना भी है तो हम हक से बोल सकते हैं। मैंने ये कमाया है जीवन में, ये मेरी कमाई है और मैं बहुत भावुक हो जाता हूं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके। मैंने देखी अपने यहाँ पे एम्स, पीजीआई, रेलवे लाइन से लेके नेशनल हाईवे से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब कुछ करवाया। ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैंने काम किया है, इसीलिए चार बार लगातार जीता हूं और पांचवीं बार जनता के आशीर्वाद से इतिहास बना कर आऊंगा। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं हर रोज, मोदी जी खुद इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, इतना कंटेंट वो किसी भी यूट्यूबर या किसी भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कंटेंट उनका आता है, और आप सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते उस कंटेंट के कस्टोडियन हैं, आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो एज ए कम्युनिकेटर आपके लिए कितना कितना चुनौतीपूर्ण रहा और आपने कैसा रहा आपका ये कार्यकाल, आपने क्या 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 सीखा आपने? मुझे लगता है कि सुधीर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आई थिंक आजाद भारत में क्या, पूरी दुनिया में आज के समय अगर सबसे सफल और प्रभावी कम्युनिकेटर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको पता है कि काम करना कैसे है, उसको पहुंचाना कैसे है। देखिए साहब, मन की बात किसने सोचा था कि 100 से ज्यादा एपिसोड हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कोविड के समय कहा मेक इन इंडिया वैक्सीन लगाओ, लेकिन लोगों ने मन की बात मोदी की सुनी, उन पे विश्वास किया। मोदी जी ने कहा मुझे डीमोनेटाइजेशन करना है, नोटबंदी करके डिजिटल इंडिया को लाना है। आज देखिए वो पैसा खाने वाले चले गए साहब, आज खाते में पैसा पहुंचता है। लोगों का विश्वास, जब नेता के ऊपर विश्वास होता है ना तो नेता कोई भी बड़े कदम उठा लेता है। सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत लोगों ने कहा हमारी फौज ने कुछ नहीं किया, फर्जी है, ऐसे ही कहा ना विपक्ष ने, लेकिन लोगों ने मोदी पे विश्वास किया, अपनी फौज पे विश्वास किया। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सुधीर जी बहुत आसान है, जिसके पास नेता ऐसा हो जो सबसे दुनिया का सफल प्रभावशाली कम्युनिकेटर हो और सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो, तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाता है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपको केवल ये देखना मोदी जी करते क्या, उनसे सीखते जाइए। जैसे आपका ब्लैक एंड व्हाइट शो है, ये इतनी इंफॉर्मेशन देता है साथ कि केवल न्यूज नहीं है कि किसी ने खबर बना के चला दी, खबर बनाने का काम, आप खबर पहुंचाने का काम कर रहे हो, सूचना दे रहे हो और आप उस पर रिसर्च करके दे रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और आपको अच्छा लगता है। मैं अगर रात को मिस भी कर जाऊं तो मेरे आईपैड पे या मेरे फोन पे मैं इसको यूट्यूब पे देखता हूं साहब। नहीं, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा जब ये जानेंगे, और आपकी टीम बहुत अच्छा काम करती है, उसको शुभकामनाएं। लेकिन क्या होता है ना साहब, कोच जितनी मर्जी, रिसर्च टीम जितनी मर्जी कर ले, प्रेजेंटर अच्छा है तो अपने आप चीज को और निखार के करता है। एक मैंने बात और नोट की, अब मान लीजिए अगर बीजेपी एक न्यूज चैनल होती तो आपके सबसे बड़े न्यूज एंकर जो प्राइम टाइम एंकर रहे हैं वो हैं मोदी जी, उन्हीं के नाम पर पूरा चैनल चलता। पर इस बार हमने देखा है कि मोदी जी का एक साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय अवतार बहुत देखने को मिल रहा है। अक्सर वो दक्षिण भारत में दिखाई भी दे रहे हैं, दक्षिण भारत के परिधानों में दिखाई देते हैं, उनके भाषण तमिल में ट्रांसलेट होकर जा रहे हैं, और इस बार उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू चुनावी वो भी दक्षिण भारत के चैनल को, तेलुगु चैनल को दिया। तो दक्षिण भारत को लेकर कुछ ज्यादा इस बार गंभीरता दिखाई दे रही है। देखिए मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है,
और मैंने आपके इसी इंटरव्यू में कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हमने पूर्वोत्तर में जितना पैसा खर्च किया, लाखों करोड़ साहब, रेलवे लाइन, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट्स, नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री असम में, कांग्रेस कभी सोच ही नहीं सकते थे, हमने किया। क्योंकि हम इसको वोट के साथ नहीं देखते, हम विकास के साथ जोड़ के देखते हैं कि भारत माँ का कोई अंग विकसित होने से पीछे ना रह जाए। इसी तरह से दक्षिण भारत में हमने ढेरों योजनाएं लाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में आती है। अब आप इसको वोट नहीं देते आपको कोई, देखिए वोट से ही केवल विकास को क्यों देखना। अब कर्नाटक में पिछली बार हमने केवल एक सीट को छोड़ के सारी जीते, इस बार हम फिर सारी जीतेंगे। तेलंगाना में हमारी सीटें पहले से दुगनी हो जाएंगी, हम 10 सीटें कम से कम जीतेंगे। हमारी टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ, हम इस बार आंध्रा में भी रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे। तमिलनाडु लिख लीजिए, हम डबल डिजिट में सीटें जीतने वाले हैं साहब। अच्छा, हमारी एनडीए वहां पर, मैंने लिख लिया, देखिए डबल डिजिट, बिल्कुल 4 जून के बाद जिस दिन आप बुलाओगे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। और आज तक की रिकॉर्ड सीटें दक्षिण भारत में बीजेपी इस बार जीतने वाली है। और मैं सुधीर चौधरी जी का इंटरव्यू अगली बार तभी करूंगा जब ये आंकड़ा आपके सामने आएगा, वरना नहीं करेंगे, ये तो हमारा ही नुकसान होगा। नहीं चलिए कर लूंगा, तो पहला सवाल ही मैं इसको ले लूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपने नोट कर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी ने अनुष्ठान भी किया 11 दिन का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, तो उसमें अधिकतर समय दक्षिण भारत के मंदिरों में गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। लेकिन काशी तमिल संगम किसने किया? संगमम मोदी जी ने कराया। ये उस समय का हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास कहता है कि तमिलनाडु और काशी में क्या तालमेल था, क्या कनेक्ट था। इसी तरह सौराष्ट्र तमिल संगमम किया। देखिए साहब, कुछ लोगों ने अपने राजनीति के लिए तमिलनाडु को अलग रखने का काम किया। तिरुवल्लुवर की सबसे बड़े पोएट हुए, फिलोसोफर हुए, उनकी कविताओं को भी मोदी जी अपने भाषण में देश और विदेश में जाके कोट करते हैं जी। ये उनका तमिल के प्रति प्रेम है, तमिलनाडु के प्रति प्रेम है, हर भारतीय भाषा के प्रति। नॉर्थ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने स्थानीय भाषाओं को मातृभाषा के साथ उनको बल दिया है। चेस ओलंपियाड होना था, हमने तमिलनाडु को दिया, देश में पहली बार होना था। खेलो इंडिया यूथ की हम सुनी थे, तमिलनाडु को दिया। G20 की मीटिंग हमने वहां पे करवाई, चीन के शी जिनपिंग से मिलने गए तो तमिलनाडु मोदी जी के, हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन कुछ लोग तमिल के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए देश से अलग दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब एक द्वीप हमारा दे दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते थे उस समय? डीएमके एडीएमके क्या मैं पूछता हूं, क्यों नहीं सब सवालों का जवाब? उसके जवाब में ये कहते हैं कि जो चीन ने इतनी जमीन हड़प रखी उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो तो कांग्रेस जवाब देगी ना, इनके समय हड़पी थी, हमारे समय ना एक इंच किसी ने ली है, ना हम एक इंच जमीन चीन को लेने देंगे। डोकलाम के समय भी राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों डिप्लोमेट के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे, मोदी जी अपनी देश की सेना के साथ कर रहे थे, और हमारी सेना के जवानों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब चीन की सेना को दिया आज तक मुड़के नहीं देखे हैं।